छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरस्वती साइकिल योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को साइकिल वितरण किया जाता है। धरम जयगढ़ विकास खंड में सरकार के महत्वपूर्ण योजना को भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया जा रहा है। छात्राओं को बांटे जा रहे साइकिल चलाने योग्य नहीं। 21 अगस्त को धरम जयगढ़ कन्या हाई स्कूल की छात्राओं को इस योजना के तहत साइकिल वितरण किया गया है। विडम्बना देखिए कि साइकिल इतना घटिया है कि इससे बच्चे चला नहीं पा रहे हैं, धक्का मार करके इस तरह ला रहे हैं। इस संबंध में स्कूली बच्चों से पूछने पर कि साइकिल क्यों नहीं चला रहे हैं, तब बताया कि इस साइकिल में पैडल चक्के में हवा नहीं है तो कैसे चलाएं। तब हमने पूछा कि ऐसा साइकिल क्यों लाए, बदल लेना था। तब स्कूली छात्राओं ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप छांट कर साइकिल लो, आपको नंबर के हिसाब से साइकिल लेना है, चाहे जैसा भी रहे। इनकी बात सुनकर हमारे टीम द्वारा विकास खंड शिक्षक अधिकारी रवि सारथी से जानकारी लेने उनके कार्यालय पहुंची। तब बीईओ साहब ने बताया कि हमारे द्वारा 1506 साइकिल की मांग की गई थी, उसमें से 1076 साइकिल मिली है, 116 साइकिल और चाहिए ताकि सभी पात्र बच्चों को साइकिल मिल सके। हमारे द्वारा घटिया साइकिल पर सवाल करने पर बीईओ ने बताया कि ऐसा नहीं है, साइकिल घटिया है, दूर से आने के कारण एकाध साइकिल का हवा खुल गया होगा। जब हमने बताया कि साहब ऐसा नहीं है, आप खुद जाकर देख लीजिए, एक भी साइकिल चलने लायक नहीं है, तब साहब जी कुछ भी नहीं बोलते हुए बस इतना कहे कि प्राचार्य को ध्यान देना चाहिए। तब हमने फिर बीईओ से जवाब किया कि क्या साइकिल फिटिंग होते समय आपके द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया। तब जवाब आया कि नहीं, हमने तो एक का ड्यूटी भी लगाया था मॉनिटरिंग करने के लिए, लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। अब आप खुद सोचिए और वीडियो में देखिए कि शायद सरकार को शायद शायद कैसे बदनाम कर रहे हैं उनके ही अधिकारी घटिया साइकिल बांटकर। धरम जयगढ़ से स्टेट हेड उमा यादव की रिपोर्ट। और 1076 साइकिल जो है फिटिंग होकर के सभी स्कूलों को बांट दिए, और बांटने के बाद जो भी साइकिल उपलब्ध अभी नहीं है उसको हम लोग मैनेज करा लिए। जी सर, आज वितरण हुआ सर वर्ष स्कूल में, तो देखा जा रहा है कि बच्चे जो है वो साइकिल को कहीं भुलाते हुए लेकर जा रहे हैं। कई बता रहे हैं कि साइकिल एकदम सही नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्या कहेंगे। बाहर से फिटिंग करने वाले आए थे और हम लोग सबको निर्देश दिए थे कि बच्चों को अच्छा फिट करके साइकिल को दें, हो सकता है लाने ले जाने में, क्योंकि साइकिल जो है सिसरिंगा में फिट हुआ है, हायर सेकेंडरी स्कूल सिसरिंगा कैंपस में। और वितरण तो हम लोग पहले कर चुके थे साइकिल बांटे, अब आज हैं तो पता नहीं है इस बात को विलम्ब से कैसे बांटे। और जो भी साइकिल अगर कमी बेसी है तो हमको अगर जानकारी होता तो हम तत्काल फिटिंग करने वालों को बोल करके उसको ठीक कराते। क्या सर फिटिंग से पहले क्या कोई जानकारी नहीं हुई क्या सर, या मॉनिटरिंग? देखिए, मॉनिटरिंग हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग देख रहे हैं लगातार, शिकायत तो कहीं से नहीं आया, और कहीं से भी किसी भी प्रचार जो भी उठाए हैं अभी तक कोई शिकायत नहीं की है कि फिटिंग सही नहीं हुआ है करके। और हो सकता है कि यहाँ लाने ले जाने में, सिसरिंगा लाने ले जाने में थोड़ा बहुत नेटवर्क ढीला हो सकते हैं,